गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर 4 हाफ हमने रीड कर लिया था, हाफ चैप्टर रीड करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नेम क्या है, ए एन एंड द। तो चैप्टर का नेम है, तो हमने कल क्या समझा था, कल हमने समझा था कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड हमने समझा था। कॉन्सोनेंट साउंड कब यूज करते हैं, जब वर्ड के फर्स्ट लेटर हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से आता है, तो हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। जब हमारा वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा क्या आता है, क्या आता है, वॉवल साउंड, तो हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहां दिया था, देखिए यूज ऑफ ए एन एन, एन एप्पल, यहाँ किसका साउंड आ रहा है, यहाँ वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए एन का यूज करा है, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए ए का यूज करा है। तो ऐसे हमने पढ़ा था। अब देखिए, हमने एक चीज और पढ़ी थी, दा का यूज। जो हम दा का यूज कब करते हैं, स्पेशल चीजों के लिए, किस लिए यूज करते हैं दा का, स्पेशल चीजों के लिए, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द गीता, द बाइबल, द रामायण, भागवत, महाभारत। तो इन सबका यूज हम कब करते हैं, स्पेशल चीजों के लिए, किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर में। देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया है, अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर स्टोरी। हमें पिक्चर स्टोरी अंडरस्टैंड करनी है, यहाँ पर एक पिक्चर स्टोरी दी है, ठीक है, वो समझते हैं। चलिए, हियर राजू एंड हिज मदर आर टॉकिंग अबाउट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पर राजू और उसकी मदर है, इस स्टोरी में कौन है, राजू और उसकी मदर किसके बारे में बात कर रहे हैं, जंगल के राजा के बारे में बात कर रहे हैं। जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। चलिए पढ़ते हैं, डू यू नो हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, आस्क द मदर। मदर क्या पूछती है, राजू की मदर क्या पूछती है, क्या तुम जानते हो जंगल का राजा कौन है। आगे देखिए, नो मॉम रिप्लाइड राजू, राजू बोलता है नो मॉम, उसको नहीं पता, तो वो मना कर देता है। नेक्स्ट, द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा शेर है, कौन है, शेर। इट लिव्स इन अ डेन, वह कहां पर रहता है, पाद में रहता है, या माद में रहता है। नेक्स्ट, इट इज अ वेरी डेंजरस एनिमल, यह बहुत खतरनाक जानवर है, कौन है, शेर। अब देखिए आगे, द रोर ऑफ द लॉयन इज वेरी फेमस, उसकी धार क्या है, शेर की धार कैसी होती है, रोर, रोर मीन्स धार, उसका धारना कैसा होता है, बहुत फेमस होता है, कैसी होती है, उसकी धार आपने सुनी है, इतनी खतरनाक होती है। नेक्स्ट, डू यू नो दैट इट हंट्स एट नाइट, टेल्स मदर, मदर क्या बोलती है, क्या तुम जानते हो ये रात को शिकार करता है, कौन करता है, शेर। तो उसकी मदर ने शेर की स्टोरी उसको समझा दी। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, आगे दी है एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज करनी है हमें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड और द, फिल द ब्लैंक्स फिल करना है हमें, उसमें ए एंड और द का यूज करना है। चलिए, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, इंडिया क्या है, भारत क्या है, भारत एक बड़ा देश है, भारत एक क्या है, बड़ा देश। तो यहाँ क्या आ गया है, एक देश है ना, तो इसलिए ए आ गया है। नेक्स्ट,
कैन यू सी द स्टार्स एट नाइट। तो यहाँ क्या मैंने फिल कर दिया, द, इसलिए फिल हुआ है क्योंकि स्टार्स, एक स्टार्स के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बहुत सारे स्टार्स के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब है क्या तुम रात को, क्या तुम रात को स्टार देख सकते हो, क्या तुम रात को स्टार देख सकते हो। डैश अर्थ इज राउंड, यहाँ क्या भर दिया मैंने, द, इसलिए भर दिया क्योंकि अर्थ क्या है, एक है, स्पेशल है, तो इसलिए द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्या है यहाँ, आई लव टू हैव एन आइसक्रीम, तो यहाँ मैंने फिल कर दिया है एन, क्योंकि आइसक्रीम क्या है, एक है, आई लव टू हैव एन आइसक्रीम, मुझे एक आइसक्रीम खाना पसंद है, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। तो आइसक्रीम तो एक ही तो पसंद होगी, मतलब बहुत सारी आपको पसंद है, मैं खाओगे क्या, एक ही तो एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम। ओके, नेक्स्ट वन, द एरोप्लेन लुक्स वेरी बिग, यहाँ क्या आया है, द एरोप्लेन, क्योंकि यहाँ पर एक एरोप्लेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो जनरल एरोप्लेन की बात हो रही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ एक हवाई जहाज है, मैं ऐसे नहीं बोला, बहुत सारे मतलब जनरल्स के बारे में बात हो रही है, जनरल एरोप्लेन के बारे में। द एरोप्लेन लुक्स वेरी बिग, हवाई जहाज बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, आगे आ गए, ए कैट स्टैंड ऑन द टेबल, एक बिल्ली मेज पर खड़ी है, तो यहाँ देखिए एक बिल्ली की बात हो रही है ना, इसलिए ए कैट, और टेबल तो जनरल टेबल की बात हो रही है, इसलिए द टेबल। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट, ही इज ए शॉर्ट बॉय, तो यहाँ पर देखिए एक बॉय की बात हो रही है ना, तो इसलिए हमने क्या भरा है, ए, वह एक छोटा लड़का है। डैश द फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल, यहाँ देखिए जनरल फॉक्स की बात हो रही है ना, इसलिए द लगाया है हमने। ए लोमड़ी एक चालाक जानवर है, इसलिए हमने जनरल फॉक्स की बात हो रही है तो द लगाया है हमने। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, राइट द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द, तो ये हमें फिल करना है, करेक्ट आर्टिकल भरने हैं हमें, ये आर्टिकल होते हैं, अब हमें इसमें भरना है, बिफोर ईच नेमिंग वर्ड, या नेमिंग वर्ड्स की है, इसमें हमें ए एंड द का यूज करना है। तो चलिए करते हैं, वन, ए बेबी, तो किसकी साउंड आ रही है यहाँ पर, ब, बी की, ब की, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ए, कॉन्सोनेंट साउंड है हमारी तो ए। नेक्स्ट, ए बियर, तो यहाँ भी ब की आवाज आ रही है तो हम किसकी क्या यूज करेंगे, ए, कॉन्सोनेंट साउंड है हमारा ये, इसलिए ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, बॉय, ए बॉय, तो यहाँ भी ब की आवाज आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ए। नेक्स्ट, ए गर्ल, तो ग, इसलिए ए का यूज करेंगे यहाँ पर। एन आउल, अ, तो ए एन का यूज करा, वॉवल साउंड आ रही है यहाँ पर हमारी, तो ए एन का यूज करा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ए माउस, म, तो इसलिए ए का यूज करा है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं हमारी, तो ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ए चेयर, तो ए का यूज करा है, च, तो किसकी साउंड आ रही है इधर, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए का यूज करेंगे। ए टेलीविजन, ट, ए का यूज करेंगे। ए
विंडो, तो किसका यूज करेंगे, ए का। नेक्स्ट द मून, मून देखिए मून की तरह कोई होता नहीं है, स्पेशल वन होता है मून, स्पेशल नेम है ना ये, इसकी तरह दूसरा तो है नहीं, तो इसलिए मून के साथ क्या लगाएंगे, द। नेक्स्ट द अर्थ, अर्थ जैसा भी दूसरा कोई नहीं होता, स्पेशल है तो इसलिए द अर्थ। नेक्स्ट द स्काई, स्काई जैसी भी दूसरा कोई नहीं होता, इसलिए द स्काई, तो हमने ए एंड द भर लिया है। ओके अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द, हमें इसमें भी ए एंड द का यूज करना है। तो चलिए क्या दिया हुआ है, माई मदर इज एन इंग्लिश टीचर, तो मदर क्या है, इंग्लिश टीचर है, मेरी माता जी एक इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश एक ही तो इंग्लिश टीचर है, तो इसलिए हमने क्या लगाया है यहाँ पर, एन। ओके और यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है, वॉवेल साउंड है, तो इसलिए एन का यूज करा है। नेक्स्ट आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक विद्यार्थी की बात हो रही है ना, इसलिए ए लगा दिया है। और यहाँ देखिए किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट, तो इसलिए ए का यूज करा है। ओके व्हेन आई गेट होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर आता हूँ, आई वॉच प्रोग्राम्स ऑन टीवी, मैं टीवी पर प्रोग्राम देखता हूँ, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे, वह मेरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट है, जब मैं प्रोग्राम देखता हूँ टीवी पर तो वह मेरा दिन का सबसे अच्छा पार्ट है। जैसे आपका भी, आप प्रोग्राम देखते हो टीवी पर तो आपको भी टीवी देखना पसंद है ना, वैसे यहाँ पर भी बोला है कि सबसे अच्छा पार्ट कौन सा है दिन का, सबसे अच्छा पार्ट कौन सा है, टीवी देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, द बेस्ट, यहाँ द बेस्ट पार्ट आएगा, दिन का बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छा भाग, तो यहाँ क्या आएगा, द बेस्ट। द प्रोग्राम्स आई वॉच आर फॉर चिल्ड्रन, द प्रोग्राम्स आई वॉच आर फॉर चिल्ड्रन, मैं बच्चे वाले प्रोग्राम देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए द प्रोग्राम आएगा, क्या आएगा, द प्रोग्राम, द प्रोग्राम्स आएगा, इसलिए आया है क्योंकि हम कोई भी प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसलिए द प्रोग्राम्स। ओके आगे देखते हैं, आई एम ए चाइल्ड सो आई थिंक दे आर फनी, यहाँ देखिए ए लगाया है मैंने, मैं एक बच्चा हूँ, मैं सोचता हूँ वे फनी है, क्या फनी है, प्रोग्राम्स, इसलिए मैं प्रोग्राम्स देखता हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं, मजेदार लगते हैं। तो यहाँ देखिए ए चाइल्ड, एक बच्चा बोल रहा है ना, मैं एक बच्चा हूँ, तो इसलिए ए चाइल्ड आया है यहाँ पर। ओके बेटा इतनी एक्सरसाइज हमारी, पूरी चैप्टर की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप सभी को ये नोटबुक में एक्सरसाइज नोट करनी है। ओके बेटा बाय।